नमस्कार छात्रों, सुप्रभात। आज मैं निरुपमा पांडे आप सभी छात्रों का ज्ञान की गंगा चैनल में स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ेंगे रुचिरा भागवान पाठ चार विद्यालय। विद्यालय का अर्थ होता है विद्या प्लस आलय, जहाँ पे विद्या जैसे धन की प्राप्ति हमें होती है, विद्या अर्थात विद्या, आलय अर्थात घर, वह जगह जहाँ पे हम विद्या का संग्रह करते हैं या विद्या को ग्रहण करते हैं, उसे हम विद्यालय कहते हैं। आज हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद देखेंगे। इस पाठ में हम पूरे पाठ का हिंदी अनुवाद बेटा आज नहीं देखेंगे, हम आधे चैप्टर का अनुवाद देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आधे चैप्टर का अनुवाद बताऊँगी। देखते हैं इस पाठ का अनुवाद। विद्यालय, इसमें मैंने दो सेंटेंस का प्रयोग किया है। पहला सेंटेंस आपका संस्कृत, दूसरा आपका हिंदी। पहला संस्कृत है जिसके प्रत्येक शब्दों का अर्थ देखने के बाद हम हिंदी का अनुवाद करेंगे। इस विद्यालय अत्र छात्रा शिक्षिका शिक्षिका च सन्ति। ऐसा यह विद्यालय विद्यालय अत्र यहाँ छात्रा छात्र शिक्षिका अध्यापक शिक्षिका अध्यापिकाएं च और सन्ति हैं। यह विद्यालय है अत्र यहाँ पर छात्र शिक्षक और शिक्षिका हैं। यहाँ पे छात्र अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। पूरी पंक्तिकार देखेंगे, यह विद्यालय है यहाँ छात्र अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। सेकंड पैराग्राफ, ऐसा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। ऐसा यह संगणक यंत्र अर्थात कंप्यूटर को हम संगणक यंत्र कहते हैं। प्रयोगशाला जिस जहाँ पे हम प्रयोग करते हैं कंप्यूटर का, जैसे आपके स्कूल में है, अस्ति है। एतानी यह सब बहुवचन का प्रयोग है। संगणक यंत्राणी मतलब बहुत सारे कंप्यूटर हैं, संति हैं। पूरी पंक्तिकार देखेंगे, यह कंप्यूटर प्रयोगशाला है, यह सब कंप्यूटर हैं। दूसरी लाइन का अर्थ फिर से देखेंगे, यह कंप्यूटर प्रयोगशाला है, एतानी यह सब कंप्यूटर हैं, या यह सब यहाँ पे कंप्यूटर हैं। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति, उद्याने पुष्पाणि सन्ति, वयम् अत्र क्रीडामः पठामः च। एतत् यह स्माकम हमारे विद्यालय विद्यालय उद्यानम बगीचा अस्ति है, उद्याने बगीचे में पुष्पाणि बहुत सारे फूल सन्ति हैं। वयम हम सब अत्र यहाँ क्रीडाम खेलते हैं, पठाम पढ़ते हैं च और। पूरी पंक्तिकार, यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। दूसरी लाइन, उद्याने पुष्पाणि सन्ति, यह बगीचे में बहुत सारे फूल हैं या बगीचे में फूल हैं। वयम हम सब यहाँ पर खेलते हैं और पढ़ते हैं। यहाँ पे दो बच्चे हैं, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। पहले बच्चे का नाम है ऋचा, दूसरे का नाम है प्रणव, एक लड़का और एक लड़की। ऋचा पूछ रही है संस्कृत में, तव नामम किम, तुम्हारा नाम क्या है। प्रणव संस्कृत में बोल रहा है, मम नामम प्रणव, तव नामम किम। प्रणव कह रहा है, मेरा नाम प्रणव है, तुम्हारा नाम क्या है। फिर ऋचा पूछ रही है, मम नाम ऋचा, तुम कुत्र पठसी। ऋचा बोल रही है, मेरा नाम ऋचा है, तुम कहाँ पढ़ते हो। प्रणव कह रहा है कि मम अहम अत्र एव पठामि, मैं यहीं ही पढ़ता हूँ। एव अर्थात ही, मैं यहीं ही पढ़ता हूँ। अगेन ऋचा पूछ रही है फिर से कि मैं अपि अत्र एव पठामि, इदानीम आवाम मित्रे स्व, मैं अपि भी अत्र यहीं एव ही पठामि पढ़ती हूँ, इदानीम अब आवाम दोनों मित्रे मित्र स्व हैं, मैं भी यहीं पढ़ती हूँ इसलिए, या अब हम दोनों मित्र हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।